मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिला सदर अमेठी कदीर खान आप लोगों से सिर्फ दो लाइन की बात करना चाहूंगा कि जरूरत है कि एक कायद हो, एक परचम हो, एक सफ हो। कभी बिखरी हुई कौमों को करों पर नहीं मिलता और समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम वो नुकता, वो कौमें लुट जाती है जिन्हें रहबर नहीं मिलता। मेरे भाई आप ये जान लीजिए कि ये जिसे हम वोट कहते हैं यही अंग्रेजी का वोट, यही हिंदी का मत है और यही अरबी की बैयत और यही उर्दू की हिमायत है। अगर ये बैयत वोट मत और हिमायत इतनी छोटी और आसान चीज होती तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के हाथ पर बैयत कर लेते और अपने छोटे छोटे बच्चों को शहीद न करवाते, मैदान कारजार में 6 माह के असगर की गर्दन पर तीर न चलवाते। मेरे भाइयों कहां से धोखा खा रहे हो? बातिल के हाथ पर हम बैयत नहीं करेंगे इसलिए कि सपा बसपा कांग्रेस से सब धोखेबाज जमाते हैं, हमें इन्हें वोट नहीं देना है। याद रखिए अल्लाह पाक, रसूल पाक, काबा पाक, कुरान पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, हम पाक, तुम पाक, तो फिर हमारा नेता क्यों ना पाक? मेरे भाई सवाल है हमारा नेता क्यों ना पाक? मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती जिनकी धोतियां पेशाब आलूदा रहती है, 250 ग्राम पेशाब हमेशा इनकी धोती मिल रहते हैं और इन नापाकों को हम अपना नेता मानते हैं और बैयत करते हैं इनके हाथ पर। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद।